सब्जी मंडी दे विच खड़े हैं तो सब्जी मंडी का जिहड़ा मामला हैगा वह लगातार गरमा रहा तो थमन का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तुहानू पहला इस मसले नू की मसला हैगा ये दसन तो पहला मैं तुहानू मंडी की हालत जरूर दिखाना चाहवागा। एक बारी तुसीं मंडी की हालत देखो की है, ये देखो तुसीं गंदगी दे ढेर लगे हैं जगह जगह पर, कोई सफाई करन वाला नहीं है, लेकिन मसले मंडी दे बहुत सारे हैं। कभी राजकुमार टाटा जी को प्रधान बनाया जाता है, कभी यश चावला को प्रधान बनाया जाता है, लेकिन हुण मसला कुछ ऐसा जिहा उरे खड़ा हो चुका है कि यह जिहड़े रेहड़ी फड़ी वाले हैं तो दुकानदार है, ये हुण किसी नूं भी अपना प्रधान मनन वास्ते तैयार ही नहीं है। क्यों? इन्हां दी मंगा जिहड़ियां हैगियां उवें ही चलदियां आ रही हैं जिवें कि पुरानियां सीगियां, इन्हां दी मंगा जिहड़ियां पूरी नहीं हो पाईआं, लगातार इन्हां नूं जिहड़ा है उह जाणन दी उर तों कोशिश कीती जा रही है। इन्हां जब साडा टाटा लिखिया तो परमात्मा ने कर देना वादा लिखिया, फिर बाकी किसी दम नहीं है राजनीति लोग टाटा शाटा कवे ना भी मैं नुकसान कर दिया वा तो बड़ी दूर है खड़ा रेस गरीबा नाल इन्हों पसीन के डुले अपना खून बहा दें पिछे नहीं हटाने जिन्ना नुकसान होता हो जाए। सरकारों का क्या है, सरकारें तो इनके साथ ये समझ रही हैं पता नहीं, मैडम जी चलो इंसाफ इंसाफ करते रहते हैं, आम आदमी सरकार कहते रहते हैं, टाटा साहब के साथ कुछ नहीं होगा, एक वोट के साथ कुछ नहीं होगा, उनको ये समझना चाहिए कि वोट हजारों लोगों की है, वोट गरीबों लोगों की, अमीर बंदा तो वोट ही नहीं डालने जाता, अगला कहता कौन लाइन में खड़ेगा। मैडम जी को ये बात समझनी चाहिए कि टाटा साहब के पीछे लग के टाटा साहब के पल्ले कुछ नहीं है, कहीं सोचते फिरते हो कि वोट वोट कुछ नहीं है उनके पल्ले, वोट गरीबों के साथ है, वो सरकार गरीबों ने बनवाई है, कोई उन्होंने नहीं बनवाई। सो मैं हाँ संदीप चौधरी, तुसी देख रहे हो तुहाडा अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 89 पंजाब। असी राजपुरा दी सब्जी मंडी दे विच खड़े हैं तो सब्जी मंडी का जिहड़ा मामला हैगा वह लगातार गरमा रहा तो थमन का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तुहानू पहला इस मसले नू की मसला हैगा ये दसन तो पहला मैं तुहानू मंडी की हालत जरूर दिखाना चाहवागा। एक बारी तुसी मंडी की हालत देखो की है, ये देखो तुसी गंदगी दे ढेर लगे हैं जगह जगह पर, कोई सफाई करन वाला नहीं है, लेकिन मसले मंडी दे बहुत सारे हैं। तुसी देख सकते हो कि जिथे तक तुहाडी निगाह जाती है उत्थे तक गंदगी दे ढेर जिहड़े लगे हुए हैं, चारों तरफ जिहड़ा है बुरा हाल है, मच्छर ते बीमारियां किसी टाइम भी मंडी दे विच जिहड़ी हैं बहुत बुरी तरह नाल फैल सकदियां। ते अज की मसला लैके सानू अज उरे बुलाया गया, मसला काफ़ी गंभीर है। कभी राजकुमार टाटा जी को प्रधान बनाया जाता है, कभी यश चावला को प्रधान बनाया जाता है, लेकिन हुण मसला कुछ ऐसा जिहा उरे खड़ा हो चुका है कि यह जिहड़े रेहड़ी फड़ी वाले हैं तो दुकानदार है, ये हुण किसी नूं भी अपना प्रधान मनन वास्ते तैयार ही नहीं है। क्यों? इन्हां दी मंगा जिहड़ियां हैगियां उवें ही चलदियां आ रही हैं जिवें कि पुरानियां सीगियां, इन्हां दी मंगा जिहड़ियां पूरी नहीं हो पाईआं, लगातार इन्हां नूं जिहड़ा है उह जाणन दी उर तों कोशिश कीती जा रही है। इन्हां दा जो कहना है कि जब दी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता दे विच ये कह के आई सी कि असी गरीबां नूं जिहड़ा है वह वसावांगे, लेकिन उरे जो इन्हां दे आरोप लाए जा रहे हैं और लगातार ये लाए जा रहे हैं कि इन्हां नूं लगातार जिहड़ा है मंडी तो उजाड़न की कोशिश की जा रही है। मैं तुहानूं दिखाऊंगा कैमरामैन उपर दिखाणगे कि बहुत वड्डा शैड जिहड़ा हैगा उरे लग्या होया, तो बहुत ठंडी छां जिहड़ी हैगी उरे है, लोग उरे खड़े हैं, लेकिन इन्हों जो है इस मंडी के नाल ही जी है उत्थे फड़ जो दे के धुप के जड़ा है खड़ा करने वास्ते किया जा रहा है कि उत्थे तुसी अपनी दुकानदारी करो, तो ये उत्थे जाने वास्ते तैयार नहीं है। तो काफ़ी दिनों का जिहड़ा मसला जिहड़ा हैगा हल होने का नाम नहीं लै रहा। तो आप गलबात कर लें, साडे नाल बबला जी इस टाइम मौजूद है, लगातार मंडी के मसलों की जिहड़ी है आवाज़ चकदे आए हैं, तो अज भी जिहड़ी है इन्हों तो आप गलबात कर लें भी मसला आखिर है क्या, अज की यह जी गल होगी कि ये अपना जिन्होंने प्रधान बनाया सी यश चावला भी अपना प्रधान मनन वास्ते तैयार नहीं है, तो क्यों ये परेशान है राजकुमार टाटा तो की कहना चाहोगे? चौधरी साहब गल एवें हुंदा, देखो प्रधान चेयरमैन कोई भी बनता ना, जां असीं बनांदे हैं तो इसी डर के बनाते हैं भी यार आम जनता का फायदा होवे, भला होवे, साडी मंडी वधिया रहे, अफसरीशाही जिहड़ी साढ़े उत्ते हैवी ओह ना होवे। जो हुण प्रधान ही गल एवें है, मेन प्रधान अपने सिर्फ अपने अपने फायदे पिछे गरीबों नूं जिहड़ा है रगड़ देण, चंगी भली उन्हां दी रोटी चलती है भाई 25 साल तो जड़ी रोटी उन्हां दी चल रही है, 30 साल तो अद्धे बैठे हैं, अज अचानक क्या हो गया भी तुसीं इन्ना वड्डा फैसला लै लिया भी इन्हां नूं चट जिहड़ा है उत्ते सुट्टना। मैं कहिंदा जिहड़ा है चट सुट्टो, उहदा शैड पाओ, कोई साधन बनाओ, उहदा कोई रुजगार चले, उहदा कोई है, तुसीं 7% आड़त लै के यार 10-10, 20-25% लगदियां मंडियां करदे हो, किहदे किहदे कोल कमांदे हो,
इस लोगों को कमाते हैं, फिर तुम उत्थे जा रहे गलत रिपोर्ट देंगे हो जी आरती जी आ रहे भी 20,000 रुपये मैं ला रहे बिठा रहे हैं, तो तू 7% लै सकता 200 वाली बोरी तेरी 1400 की 1600 की मिल सकती है, तो जड़ा बंदा जिसको कम नहीं है वो बिठा लेंद 7% वो भी लै सकता फीस नहीं भरता अगला। ये झूठिया रिपोर्टा जड़िया है दे के मंडी में उलझाया जा रहा है, किसी को यह धमकियां दे रहे हैं जी छापे पैने हैं, किसी को यह धमकियां दे रहे हैं तेरा रुजगार जोड़ा है तो चटिया जाना, तू अपने सलूट पिछे लगे हुए भाई असी तो सलूट मार देने सलूट तो तेन वो मारन गए जो दो नंबर का काम करते होने, असं एक नंबर का काम करते हैं गरीबों के पिछे हर टाइम मरण तैयार हैं, मैनू विश्वास है ये गरीब विगड़ गए तो मंडी रहना औखा हो जाना। मैं हाथ जोड़ के बेनती कराँगा आम पार्टिया के जोड़े मेन हैं जिन्होंने जिम्मेवारी दी है सत्ता दी है राजपुरे की इस बंदे का इलाज कर लैन, साफ सुथरा बयान देन भी गरीबों वास्ते जी आम पार्टी तैयार सी अज आम पार्टी गरीबों को रुजगार दे रही है, ये रुजगार दे रहे हो तुम जानवर उत्थे नहीं बह सकता, जानवर भी बूटा चाहिए छां वास्ते तुम सू जानवरों को पिछे सुटिया, लेडीज़ हैं बेचारियां काम कर दी तड़फ रही अब 8 दिन हो गए तुम्हें इन्ना नहीं पता लग रहा भी उन्होंने रोजी रोटी किमें चल रही है। मैं तो चौधरी साहब अब खुले लफ्जों किया साढ़े मंडी का कोई प्रधान नहीं है, 200 बंदों ने फैसला ले चुके हैं, जब असी कोई प्रधान बनावे तो बड़ा बड़ा योगदान रहा मीडिया का असी तुम्हें दसा रहे आजादी का दिन आ रहा असी आजादी का दिन बड़ा इतने जरा भाईचारे मनावे असी शहीदों जिन्होंने साढ़े पिछले देश आजाद कराया उन्होंने याद कर रहे हैं। जोड़ा ये मसला जो छिड़िया हो बैठन वास्ते किस हैं जो मना कर रहे हैं क्यों नहीं बैठन दे रहे तुम इन्ने सालों तो बैठे गल है जी मेरा चौधरी साहब आड़ा का काम है, मैं 7 दिन उड़े माल नहीं मंगा रहा इन्हों के पिछले लड़ रहा इन्हों के पिछे भी यार ये जा ना हो असी किस काम के हैं, साढ़ा तो कोई काम नहीं है ना साढ़ा माल ही नहीं बिकना। राजकुमार टाटा ने एक जिद बनाई हुई है भी मैं आम पार्टी का मैं बिला लग गया मैं इस मंडी का MLA हाँ जो चाहूँगा मैं होऊंगा ड्रा भी मैं खुलाऊंगा जड़ा भी मैं अपने हिसाब से दूंगा अपनी मनमर्जी चलाऊंगा मार्केट कमेटी पई है अफसर पे है लैने देने की तू रब थोड़ा लग गया और असी जड़ी इन्हों का रुजगार खत्म करने का इको बंदे ने जड़ा है जिद का बिड़ा चपया हुआ भी मैं इन्हों इतने रहन नहीं देना। असी अपील करते हैं 200 परिवार है दिवाली मना दो त्यौहार के दिन है दिवाली का सैट बनवा दो। यश चावला तुहाडे नाल हर टाइम खड़े हुए नज़र आते थे अच्छ मैं यश चावला जिहड़े नज़र नहीं आ रहे जिहड़े तुहाडे वल्लों प्रधान चुने गए थे बड़ी लड़ाई लड़ी है उन्होंने प्रधान बनाने वास्ते तो हूँ कितने हैं वो की गल गल संदीप जी यश चावला जी ने 100 बंदे के हार पे सी तो सारे की मेहनत है जतिन की है बबले की है होर है सारे फड़ी वाले की है सारे है अज कारण बना दिता इशू भी ये यश आ गया जी तो असी 4 होर भी ज़्यादा उजाड़ देने तो लगता है भी मतलब ये जी तुम यश चावला प्रधान बनाया तो एक खमियाजा तुम्हें भुगतना पै रहा है खमियाजा तो गल एवं जी ये तो अपनी अपनी सोच है 28 साल तू राज कर लिया यार 28 साल बोरिया नोटा दियाँ भर लिया मुख्यमंत्री का कहता नोट मैं सारे खुस लेने हैं राजपुरे का भी नंबर तैयार है तो असी कहते हैं गल एवं है मेन चक्र है भी तू 28 साल यार राज कर लिया अजय ने रजिया एक बंदा बन गया तू वड्डा बन गया इन्हों थापी दे भी बैठो भी तुम रोटी खाओ दिवाली का त्यौहार मनाओ धूमधाम नाल मनाओ मैं तुहाडे नाल हाँ असं भी तेन शाबाश दई भी हाँ भी ठीक है गरीबों का तू तो जित फड़ ली 6x6 के डब्बे लवा के उन्होंने जबरदस्ती अंगूठा दे के धमकियां दे के कार्रवाई दियाँ छापे दियाँ होर है पुलिस भी आई है कल आई है पुलिस जी की कल पुलिस आई है जड़े एक दो बैठे थी सब्जी बेचते शर्मा जी बैठे थी सरिया मैंने तन किया भाई जब तू नहीं उठेगा तो तेरे वाले कार्रवाई ये पहली दफा हो 70 साल की आजादी के किसी मंडी के जड़ा पुलिस का सारा लिया के सू डराया जाता है ये क्यों डरा मेरे तो समझ नहीं आती साढ़े लोगों भाई एक मिनट भी असी इतने जड़े बैठे हैं असी अपनी गल नहीं करते बोलपुर समाज की यूपी बिहार तो जिन्हें भैया आए हुए हैं सब तो ज़्यादा मैं गल करता सब तो ज़्यादा समान ये लेंगे है ये सवेरे 2 दिन हड़ताल से चले जाने वाजे वाज साड़ी मंडी से तो हूँ की अपना अगे की स्टैप रहेगा अगे साड़ा स्टैप है जी अज की डेट के मैं सारे शहर में वासी कराँगा इस मंडी का कोई प्रधान नहीं है इन्हों पता लगना भी प्रधान की क्या ताकत होंगी है किमें उत्थे जा रहे स्टेजों के उत्ते सरोपे पाते हैं इन्हों बिना सरोपे तो इतने बैठन गए पहली ये है दूजी गल ये साड़ी भी चौधरी साहब गल एवं है अगला फैसला लवेंगे 2 दिन असी देखने हैं कल तो परसों का जा सानू अफसर बुला लेंदे साढ़े नाल गल कर लेंदे 4 बंदियां नाल भी तुहाडी रोटी का मसला असीं कर रहे ठीक है। वीरवार का असीं तय किया सी रेड़ियां बंद
गणेश भूत मार्केट बंद, साड़ी सब्जी मंडी रेड़ी फड़ी जिनी है सारी बंद, आड़ती भरा भी साढ़े साढ़े नाल खड़े को छोड़ के ये बंद कर रहे। इतों असी वड्डा जलूस कढ़ा रहे टाली वाले चौंक के जोड़ा है उत्थे करा रहे मुजारा। उत्थे वीरवार का तय सी पर वीरवार रखड़ी आ गई तो शुक्रवार हो सकता है, पर असी दो दिन देखने हैं। दो दिन के बाद उत्थे देखा रहे। मैं सारे अपील करा साडे समाज में भी बिलपुर समाज सेवा लग्या पाया वो भी आएगा साढ़े नाल बैठे रहा राजनीति लोग भी साढ़े नाल बैठन गए उत्थे रिजल्ट देखा रहे। जब साडा टाटा लिखे तो परमात्मा ने कर देना वादा लिखा कर बाकी किसी दम नहीं है राजनीति लोग टाटा शाटा टवे ना भी मैं नुकसान कर दिया तो बड़ी दूर है खड़ा रहे इस गरीबों नाल इन्हों के पसीन के डुले अपना खून बहा दें पिछले नहीं हटा रहे जिन्ना नुकसान होता हो जाए पर इन्हों का हल करते छा रहे। मेरा इतने लसेंस जी लसेंस होल्डर मैं इतने नाड़ा का काम है मेरा मैं काफ़ी साल तो इतने कर रहा पुरानी मंडी तो करता आ रहा कल सिर्फ इस गलते मैं रोकया गया काम करने तो कि थोड़ा लसेंस ऑनलाइन नहीं चढ़िया हुआ। अच्छा ऑनलाइन चढ़ाने वास्ते मतलब कि दुकान दुकान या किरायानामा चाहिए होंगे है लसेंस मेरा वैलिड है फिर भी मैं आगे थ्रैट किया उन्होंने मार्केट कमेटी के ऑफिशियल ने तो मैं काम करने तो रोकया इतों। हाँ जी की कहना चाहोगे तुम लंबे समय तो लड़ाई लड़ते आ रहे हो इन्हों की कहना चाहोगे की मसला छिड़ गया? मसला कुछ नहीं छिड़ गया, सिर्फ ये चक्कर जो शुरू हुआ है सिर्फ प्रधानगी से शुरू हुआ है। जो 28 साल के हमारे चेयरमैन है वो कहते हैं कि हमें आता जाता सलूट मारे, हमें पूछे हमें करे, और कोई लंबी जोड़ी कोई इनकी बात नहीं है कुछ नहीं है। ये सारे जो फड़ी वाले रेड़ी वाले बाहर जाने को भी तैयार हैं, वो कहते हैं उनकी इतनी सी मांग है कि शेड डाल दो खड़े बना दो। सही बात है वहाँ पर जहाँ पर डंगर नहीं रह सकता वहाँ पे तुमने डंगर से भी गया गुजरा समझा हुआ है तो थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए। असल में जो पहले वाले अफसर थे धक्केशाही करते थे सारे उनसे डरते थे, अब वाले अफसर से हमारे को कोई शिकायत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अफसर हमारे बढ़िया हैं। वो अफसरों के खिलाफ आपको पता ही है हमने केस डाला हुआ है, और ये टाटा साहब ने समझा हुआ है कि चल वो वाले अफसर वाली धक्केशाही करेंगे हम सारा कुछ करेंगे तो लोग हमें सलूट मारेंगे जैसे उनको सलूट मारेंगे। पर ये इस बार अब भारत आज़ाद हो गया है हमारे लोग भी जाग गए उठ गए, इन्होंने धक्केशाही बहुत सह लिया, अब कोई कुछ भी नहीं सुनेगा कोई कुछ नहीं करेगा कोई किसी का कोई मतलब वास्ता नहीं रखेगा। अब संघर्ष 8 दिन से देख लो कोई रेड़ी फड़ी वाला कोई वो नहीं कर रहा, इनके घर चूल्हे नहीं बल रहे परेशान है। एक दिन जिसको कोई रोजगार ना मिले अगला सुबह 3 बजे उठ के आता है रात को 12 बजे तक बैठता है वहाँ पर, पूछो इनसे आरतियों से बड़े आरतियों से बैठेंगे वहाँ पे 2 घंटे बैठ के दिखा दें आप संदीप जी जाके देखो वहाँ पे 15 मिनट नहीं खड़ा जाता। उनको कह रहे हैं सुबह 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो बैठेगा क्या घर जाएगा। एक हमारा यहाँ पे भाई एक दिन बैठा है 4 ग्लूकोज की बोतलें चढ़वा के आया है, इनका क्या इन्होंने तो 9 बजे के बाद AC चलाना है अपना अंदर बैठ जाना है। इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है, जोन सी सरकार आए इन्होंने गुलदस्ता उठाना है अपना उनके पास पहुंच जाना है बस, उसके बाद इनको कोई किसी से वास्ता नहीं, अपनी बोरियां खोली हुई हैं इन्होंने बैग खोले हुए हैं वही भरने हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है कोई लेनी नहीं है कोई देनी नहीं। पर अब वीरवार चलो रखड़ी है शुक्रवार तक हमारे साथ कमेटी वाले बैठ के कोई बात नहीं होती कुछ नहीं होती। जैसे बबला साहब ने कहा कि हम मंडी बंद करेंगे बूथ मार्केट बंद करेंगे रेड़ियाँ फड़ियाँ बंद करके टाली वाले चौक पर धरना देंगे, जे अगर उससे पहले हमसे बैठ के बातचीत हो आती है तो बढ़िया ही है, जुलूस ना निकले तो उससे ज़्यादा बढ़िया। पहले सरकारों का क्या है, सरकारें तो इनके साथ ये समझ रही हैं पता नहीं, मैडम जी चलो इंसाफ इंसाफ करते रहते हैं आम आदमी सरकार कहते रहते हैं, टाटा साहब के साथ कुछ नहीं होगा, एक वोट के साथ कुछ नहीं होगा, उनको ये समझना चाहिए कि वोट हज़ारों लोगों की है वोट गरीबों लोगों की, अमीर बंदा तो वोट ही नहीं डालने जाता, अगला कहता कौन लाइन में खड़ेगा। मैडम जी को ये बात समझनी चाहिए कि टाटा साहब के पीछे लग के टाटा साहब के पल्ले कुछ नहीं है, कहीं सोचते फिरते हुए कि वोट वोट कुछ नहीं है उनके पल्ले, वोट गरीबों के साथ है और सरकार गरीबों ने बनवाई है कोई उन्होंने नहीं बनवाई। ठीक है जी, सो तुम देख पा रहे हो कि इन्हों का दुख किमें झलक रहा इन्हों के चेहरे तो किन्ने परेशान है, तो कई घर चूल्हे भी जोड़ा है नहीं बले, तो जी जगह तुम दिखाई जा रही इस टाइम बहुत ज़्यादा धुप है, तुम देख सकते हो कि इन्ना कड़कते हुए धुप के बीच जोड़ा है वह जोड़े फड़ी वाले हैं वह किस तरह अपना रोज़गार उत्थे चलाएंगे, तो हम देखना यह होएगा कि आने वाले समय के इस खबर का किन्ना असर आता है। मैडम नू भी इन्होंने गुहार लाई है MLA साहब नू कि मंडी की तरफ ध्यान देन, तो जी है राजनीति काफ़ी जी है मंडी के हावी हुई हुई है, तो इन्होंने दोनों प्रधानों अपना प्रधान मनन वास्ते जोड़ा है मना कर दिता, तो हूँ आने वाले दिनों में देखना होगा कि शुक्रवार को जोड़ा इन्हों का रोस प्रदर्शन है वह किस तरह जोड़ा है अगे वधदा, तो क्या इन्हों आने वाले दिनों के इंसाफ मिलेगा या फिर इस तरह ही जोड़ा अपना संघर्ष जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहित के नाल संदीप चौधरी न्यूज़ 18 पंजाब।